सो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहो क्योंकि ब्लॉग अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, और भी कुछ दिखाना है घर जाकर, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को खुद ही बताऊंगा जब ब्लॉग एंडिंग होगा। और अभी मैं हूँ बस का वेटिंग में, उधर एक बस है वो जाने वाला है और मैं घर जाऊँगा, देन आपको दिखाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ बस कौन सा है, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ मैं जो बस में जाने वाला हूँ, बैक कैमरा से देखो आप लोग। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर में आ चुका हूँ सिलीगुड़ी से, और मैं रात भर सोया नहीं। आँख देख लो, ये काले काले हो चुके हैं, 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है मैं सोया नहीं हूँ। आज है 17 तारीख, कल था 16, कल भी रात को नहीं सो पाया। ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, 16 और 17 का ब्लॉग को। सो ये देख लो साइकिल में मैं जा रहा हूँ अभी एक जगह पर, मतलब एक मुझे इनवाइट है एक मेरे रिलेटिव के घर से, वहाँ पर मुझे खाने के लिए बुलाया गया है, तो मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर देख लो बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, तो मैं छाता लेके जा रहा हूँ साइकिल में। यहाँ पर बारिश बहुत दिन से हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, रेगुलर हो जा रहे, कम ही नहीं हो रहा है बारिश, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आई थिंक आज 6-7 दिन से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ देखो मैं जा रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ फिर दिखाता हूँ, अगर वहाँ का मैं सीन अगर आप लोगों को दिखा पाया तो दिखाऊंगा, नहीं दिखा पाया तो उसके लिए सॉरी। और 24 घंटा से मैं सोया नहीं, देखो आँख, ये आँख पूरा काला काला हो चुका है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। अभी मैं जस्ट उधर से आया सिलीगुड़ी से नहा धोवा के, अभी मैं जा रहा हूँ, तो नहा धोवा लिया हूँ, ये कपड़ा वपड़ा लगा के मैं अभी जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखो ये नदी में कभी भी इतना बारिश, मतलब बारिश जब भी होता है ये नदी में इतना ही पानी हो जाता है। पीछे देखो यहाँ पर मोस्टली इतना पानी तो जमा होता नहीं है, आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो चुका है। मैं आपको अभी बैक कैमरा से भी दिखा दूंगा क्या सीन है, इतना बारिश हो रहा है, 7 दिन से इतना बारिश हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो चुका है। तो ये वो नदी है, ये जो नदी आती है ये डायरेक्ट भूटान से आती है, मतलब भूटान से इंडिया में आती है, वो जो सीधा दिखाई दे रहा आपको वो भूटान है, तो वहाँ से डायरेक्ट ये भूटान से ये पानी आती है। यहाँ पर ये देखो इतना जो पानी दिख रहा है आपको भरा हुआ, और कभी भी इतना यहाँ पर पानी होता नहीं है, लेकिन बारिश आ रही है इसलिए बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, और मैं सोया नहीं हूँ, 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, देखो वहाँ के मेरा काला काला हो चुका है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। और मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह पे, इनवाइट है, खा के आते हैं देन सो जाएंगे। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ नदी। सो फ्रेंड्स, बारिश आने के बाद ये देखो वेदर कितना बहुत अच्छा हो गया है ना। थोड़ा सा वेटिंग करने के बाद मैंने खाना खाया, मतलब अंकल का घर में पूजा था, तो अंकल के घर में पूजा था तो अंकल ने बुलाया था, मेरे पिताजी के वो फ्रेंड है, मतलब मेरे पापा के दोस्त है, तो उनके घर में मैंने गया, वो खाना वाना खा लिया, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। और मैंने जो रिक्स लिया था, जो ब्लॉगिंग का आपने फर्स्ट में देखा, वीडियो का फर्स्ट में देखा, वो रिक्स आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रिक्स लिया था। और अगर ये ब्लॉग और वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ, बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी लेके आऊँगा। और यही वो नदी है जो भूटान से आती है, तो बहुत बारिश आ रहा था, अभी देखिए वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा, कुछ और भी यूनिक करने का ट्राई करूंगा। और ये जो मैंने रिक्स लिया था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी मिलूँगा, तो अभी के लिए बाय, और मिलते हैं फिर। और आज है 17 सितंबर 2020, आज है विश्वकर्मा पूजा,
तो आप सबको विश्वकर्मा पूजा का बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, और भगवान करे सबका विश पूरा हो, मेरा भी विश पूरा हो। सो बाय।